हेलो नमस्कार, सुकोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ऑनलाइन फॉर्म 2022 कैसे फिल करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुकोपीडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाई स्टेप समझाएंगे कैसे अप्लाई करना है। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके। तो ये हमारे स्क्रीन पर आ गया, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपने रजिस्टर्ड कर दिया है तो आप डायरेक्टली इसमें अप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो आपने पासवर्ड बनाया था उस टाइम पे, और यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन जो ये है ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे तो फिर आप फॉर्म फिल करने का जो नेक्स्ट प्रोसीजर है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट, मतलब आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे ओपन होकर आएगा, प्लीज रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एंड, मतलब आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जो भी कुछ दिया है, मतलब उस पीडीएफ को जो ऑनलाइन पीडीएफ आया था उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको शेयर कर दूंगा। आप यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप किसके लिए एलिजिबल हैं, कौन से ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं, कौन से ग्रुप के लिए एलिजिबल नहीं है, इन सारा डिटेल इस पीडीएफ में है। तो इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। बाकी दूसरा क्या है, प्लीज़ इंश्योर योर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया लेट डाउन फॉर UPJEE 2022। तो वो भी डिटेल उस पीडीएफ में रहेगा। फिर एग्जामिनेशन फीस कितना है, जनरल EWS और जनरल OBC के लिए 300 रुपये प्लस बैंक चार्जेज हैं, SC ST के लिए 200 रुपये प्लस बैंक चार्जेज हैं। ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन फीस के बारे में। उसके बाद इसमें और क्या है, जो कैंडिडेट का एज है वो 14 साल मिनिमम होना चाहिए। बाकी आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 5 चरणों सरल चरणों का पालन किया जाना चाहिए। कौन कौन सा, स्टेप वन क्या है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चूज योर पासवर्ड एंड नोट डाउन सिस्टम। मतलब आप पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। वहां से आप ऑनलाइन अप्लीकेशन करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और एक अपना मनपसंद कोई पासवर्ड डालेंगे जो आपको याद होना चाहिए, वो करना रहेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद स्टेप टू क्या है, फिल ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म एंड कैंडिडेट नीड्स टू फिल अब अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड चूज एग्जामिनेशन सिटी। तो आपको वहाँ पे चांस मिलेगा, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे और आपको चॉइस दिया जाएगा कि एग्जामिनेशन सिटी आप क्या चॉइस करना चाहते हैं। स्टेप थ्री में क्या है कि आप अपलोड स्कैन इमेजेज ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो आप वहाँ पे अपना सिग्नेचर और अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। उसके बाद स्टेप फोर क्या है, पे एग्जामिनेशन फी बाई नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक थ्रू ई चलान एट एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप वो ऐसे नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फाइव, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड कीप इट सेफ। तो जब आप ऑनलाइन जब पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको आएगा कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करने के लिए, वहाँ से अपना अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग पासवर्ड के रिगार्डिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन है ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कैंडिडेट विल बी रिक्वायर टू चूज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। तो आपको वहाँ पे जब पासवर्ड फिल करेंगे जो आप वहाँ पे चूज करेंगे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और उसका आंसर आप ही खुद देंगे तो आपको याद होना चाहिए। कैंडिडेट इज एडवाइज टू रिकॉर्ड रिमेंबर दियर पासवर्ड फॉर द फ्यूचर लॉग इन। तो ये पूरा डिटेल है। उसके बाद आप फिर नीचे फर्दर इसको स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आई अग्री पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन में कुछ ऐसे ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको डालना है, ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालेंगे, यहाँ पे अपने माता जी का नाम डालेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करेंगे और यहाँ पे अपना जेंडर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पहचान पत्र आ रहा है, पहचान पत्र इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आइडेंटिटी टाइप आप डाल रहे हैं, जो भी पहचान पत्र डाल रहे हैं उसका यहाँ पे नंबर भी फिल करना रहेगा आइडेंटिटी नंबर में, तो आप आइडेंटिटी नंबर डाल देंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे इसमें अपना email ID फिल करेंगे। email ID वही डालें जो एक्टिव हो क्योंकि उस पर आपके मैसेज आएंगे जो भी आएगा उसके मेल आएंगे, और मोबाइल नंबर भी वही डालें जो एक्टिव हो। उस यहाँ पे उस अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड यहाँ पे चूज कर सकते हैं और यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे ये वाला जो है, इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है, लॉगिन कैसे करना है उसके बारे में बता दे रहे हैं आपको, आपको अगेन लॉगिन करना रहेगा।
यहाँ पे अपना आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, इसमें पासवर्ड डालेंगे और ये वाला सिक्योरिटी पिन यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद साइन इन पे करेंगे तो आपका ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, फिर वहाँ अपना फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है, कौन सा सिटी चूज करना चाहते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस जितना भी आपको पे करना है, अगर जनरल EWS और OBC है तो 300 देना है, प्लस बैंक चार्जेस जो है, और SC ST है तो 200 रुपये प्लस बैंक चार्जेस है। तो वहाँ से एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल किसके बारे में, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे उसके बारे में था। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुकुपीडिया, सुकुपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उससे आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चलता रहेगा। थैंक यू।